हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कॉफ़ी बैनर डिज़ाइन कैसे करते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहले एक सिंपल सा एक शेप लेके उसको 3 बाय 6 इंचज़ का रख लेते हैं। वो आप अपना जो भी आपका साइज हो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये ले ले रहा हूँ, एक रैंडम साइज़ हो गया है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं। मतलब डार्क ले ले रहा हूँ। इसके अंदर आप प्रेस करेंगे सबसे पहले जी। जी जो होता है हमारे ग्रेडिएशन के लिए होता है। ग्रेडिएशन कलर जो हम फिल करते हैं किसी शेप के अंदर वो होता है। अब इसके अंदर आप जब मिड से रख के बाहर को ड्रैग करेंगे तो ये ग्रेडिएशन इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो ये फिल टूल होता है, इसकी आप जितने भी टूल यूज़ करेंगे ना उसकी सभी की प्रॉपर्टी टॉप उसमें आपको व्यू होने लगेगी। सेकेंडली यहाँ पे ऑप्शन होता है ये मिड से आपको लाइट टोन या जिस तरह का भी आप डालना चाहते हो दो शेडों को एक राउंड शेप में दिखा देगा आपको। ये देखिए चारों ओर को एक फ्लैशी इफेक्ट देगा आपको। इसमें हम प्लेस कर लेते हैं। इसमें मैंने बाहर की तरफ एक डार्क कलर ले लिया है क्योंकि कॉफ़ी से बना रहे हैं हम, कॉफ़ी बीन्स का होना चाहिए तो कॉफ़ी के लिए मैंने डार्क कलर चूज़ कर लिया था। ये मैंने प्लेस कर लिया। अब इसके अंदर हम मिड में इसका कॉफ़ी कलर डाल देते हैं। ये देखिए एक इफेक्ट आ गया है, ये ग्रेडिएशन इफेक्ट जो आ गया हमारा मैंने ले लिया। अब मैं आपको जो ये तीनों मैंने ये निकाल के रखी हुई है पहले से ही, ये आपको इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। आप PNG फॉर्मेट में निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएंगी, और अदरवाइज आपको स्पेशली फोटोशॉप के थ्रू इस PNG कैसे बनाते हैं वो अगर आप जानना चाहते तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल आपको बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसमें हमने तीनों एलिमेंट ले लिए हैं, यही तीनों एलिमेंट्स मुझे चाहिए। अब मैंने इन्हीं एलिमेंट्स को अभी अभी मैं फ़िलहाल अलग रख लेता हूँ। इसके हिसाब से मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये प्लेस किया मैंने। अब इसे थोड़ा सा हम राउंड कर लेते हैं, एकदम स्ट्रेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये आ गया। ठीक है, इसकी जो ये बाहर निकलने हैं ये मैं इसे यहाँ से ये हमारा शेप टूल होता है। सही है, शेप टूल से मैंने यहाँ पे जब करूँगा तो ये आपकी ये नोट्स आ जाएंगे। अब आप जोन से चाहें नोट्स को डबल क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं और डबल क्लिक करके ऐड ऑन कर सकते हैं किसी भी। अब ये क्या है, अब मेरा बाहर निकल रहा था इस मेरी बेसिक शेप से तो मैंने इसलिए इसे अंदर को कर लिया थोड़ा सा। अब सेकेंडली आता है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे कि मैं इस कॉफ़ी के ऊपर इसे दिखा सकूँ, और इसे भी थोड़ा सा घुमा लेते हैं हम जिससे ये इसके ऊपर रखी हुई सीधी रहे पर हमें प्लेसमेंट अच्छा सा लगे। ये परफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं कि एक कॉफ़ी का शेड डाल देते हैं। ये ग्रेडिएशन होता है शेडो टूल। सही है, इसे हम ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे थोड़ा सा। जब आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, देखिए आप शेड आ गई। अब मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए तो ये ऐसा आ रहा है कि लाइट इधर से पड़ रही है तो कप पे जो पड़ी है शेड वो उसकी परछाई आ रही है, तो एक रियल इफेक्ट जो होता है हमारा वो आ जाता है। मैं इसे थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा सेंट्रलाइज में लगे। ये हो गया। ठीक, अब यही चीज़ मैं जो है ये मैंने ये ले लिया, सिलेक्ट कर लिया कॉफ़ी बीन्स जो नीचे हार्ट के शेप में पड़ी हुई है। इसमें भी मैं थोड़ा सा इफेक्ट इसको ही सेम एज इट इज़ करूँगा। मैं इसको करके मैं बाहर को ले जाऊँगा और इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ कॉफ़ी बीन्स पड़ी हुई होंगी वहाँ पे भी कुछ शेडो तो बनती ही है। अब ये शेडो भी हम आप सेम पोजिशन में रखेंगे क्योंकि परछाई अगर एक तरफ से आ रही है तो दो साइड तो जाएगी नहीं। ये आ गया, थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई थी। ये ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देना क्योंकि बीन्स हमारी बेस पे ही रखी हुई है तो कोई हाइट तो है नहीं जिसकी वजह से ये ज़्यादा उठान आएगा इसमें। ये बहुत है, इतना हल्की हल्की सी शेप, ये एक थोड़ा सा रियल इफेक्ट आ जाएगा। इसे सेव करते हुए चलते हैं।
अब इसके अंदर हम सबसे पहले मैं इसमें डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ जैसे लोगो हो गया जो बेसिक चीज़ें हैं वो रख लेते हैं, या यही रख लेते हैं, अभी प्लेसमेंट कर लेता हूँ मैं। हमारा बीन्स भी रह गया था, वो प्लेसमेंट करके दिखाता हूँ अभी आपको। फिलहाल लोगो कॉपी कर लें, लोगो प्लेस करते हैं, लोगो पूरा। और लोगो में मैं एक ये वाला लोगो ले ले रहा हूँ, थोड़ा सा लोगो लुक देता है इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे इसको कर देता हूँ वाइट, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। चलिए ये तो हो गया, सेव कर लेते हैं इसे। अब सेकंडली मैं ये बीन्स हमारी रह गई थी, इसको भी मैं यहाँ देख लेते हैं। अब इस बीन्स को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, लिटिल बिट। अब मेन क्या, अगर मैं इसको एकदम सीधे प्लेस करूँगा तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है ये, हमें इतना हाईलाइट इसका चाहिए नहीं एक्चुअल में। तो इसका क्या करते हैं हम, इसमें आप इफ़ेक्ट के अंदर जाएंगे, इफ़ेक्ट में ब्लर, और ये आपका गोशन ब्लर, इस पे जाएंगे और इसको लिटिल बिट ब्लर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ब्लर आपका जो ये बीन्स है ये भी थोड़ी बहुत नज़र आनी चाहिए कि हाँ ये हमारे एक्चुअल में बीन्स है ना। ये ठीक है इतना, ओके। अब इसे कर लिया मैंने, ये हमारा आ गया। अब इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक। इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, सेम इसी को हम यहाँ पे साइड से, क्योंकि बीन्स हम ऐसे डालेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से अच्छा लगेगा। एक और कर लेते हैं इसकी कॉपी, उसे यहाँ पे डाल देंगे, उसको छोटा कर देते हैं। अब जो ये मैंने कॉर्नर्स पे डाली हैं, ये आ गया हमारा, इसकी वही मैं सेम वैसे ही जैसे पहले मैंने आपको करा था, शेप के अपनी जो हमारे साइज लिया हुआ है उसी के अंदर में मैं इसे डाल ले रहा हूँ। ये हो गया परफेक्ट। अब ये जो दो बीन्स हैं इनको सिलेक्टेड करेंगे और इसको पावर क्लिक और इनसाइड कर देंगे जो हमारी शेप है बैकग्राउंड की। अब ये इसके अंदर चली गई है, ठीक। अभी देखिए आपके अंदर ये इसके अंदर इफेक्ट आ गया, और ये बिल्कुल सिंपल चीज़ों से, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ वैसे नहीं करी, बिल्कुल सारे ही सिंपल। वैसे तो इसके अंदर जो जितने भी डिज़ाइन होते हैं सब सिंपल ही तैयार होते हैं, इन्हीं शेप और इन्हीं शेडों से तैयार होते हैं भाई। मेन हमारे को क्या होता है कि हम किस तरह से इनका प्लेसमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग है वो चीज़, ठीक है। हमारा प्लेसमेंट ही जो होता है वो चीज़ को अच्छा दिखाता है। अब मैं ये इसका टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आए हमने, यहाँ डाला, पेस्ट किया, और अब मुझे ये मैंने कंट्रोल के किया, कंट्रोल के करने से ये लाइन वाइज डिवाइड हो गया है, देखिए दो उसमें डिवाइड हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे वाइट कलर से या येलो कलर से, जिससे भी अच्छा लगेगा उसे डालता हूँ। फिलहाल हम वाइट और येलो का ही दोनों का यूज़ करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करेंगे। और मैंने ये आई थिंक अच्छा लगेगा क्योंकि कॉफ़ी से रिलेटेड करता हुआ है, और इसे थोड़ा सा क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है हमने, तो ये भी उसके साथ मैचअप कर देगा, अच्छा लुक देगा। ये यहाँ पे रख लिया मैंने कॉफ़ी बीन्स, ये जो हमारा है टेक्स्ट, इसको भी हम थोड़ा छोटा मैं ले लेता हूँ SW, क्योंकि हमारा टेक्स्ट काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है। ये सही रहेगा, ये हमारा प्लेस हो जाएगा। इसको भी हम इसी ही एंगल पे इसे मोड़ लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं येलो कलर से, ठीक है। अब हमारा एक थोड़ा सा ये जो ये स्पेशल है थोड़ा नीचे चला गया, इसको अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ऑर्डर में इसे फ्रंट पेज कर देते हैं, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आ गया, इसकी एक पोजीशन अगर हमारे को सेट करनी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए कितने डिग्री पर रोटेट है ये,
वो ले लेंगे, इसे कॉपी किया। अब इसको भी अगर हम सेम डिग्री पर रोटेट कर देंगे तो आपका सेम पोजीशन में आ जाएगा, पर ये अभी इससे मैच नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ से मिल गया यहाँ से। तो कुछ चीज़ें हमें मैनुअल भी करनी पड़ जाती हैं कि वो देखने में अच्छी लगे। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे परफेक्ट आ गया है मेरे लिए, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, मैंने इसे प्लेस किया। ठीक, इसे कर देता हूँ सेव, ये आ गया। अब सेकंड हमारा क्या है देखते हैं, सेकंड क्या है, ये आ गया हमारा टू डे सुपर ऑफर। ठीक, इसके टेक्स्ट को भी लेता हूँ, मैंने डाला, और इसके अंदर इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ, एरियल राउंड रख लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको फॉन्ट वैसे यूज़ नहीं करने कि वो अच्छे ना लगें, सिंपल ज़्यादा फॉन्ट जो रहेंगे आपके वो ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि तो पढ़ने में भी आनी चाहिए चीज़। ये हमने प्लेस किया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ ऐसे रख लेता हूँ। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा काम। अब ये मैंने इधर किस लिए रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा एक इफेक्ट और दूंगा, इसे थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। अभी तो हमें पोजीशन सेट करनी पड़ेगी अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, साइड करके मैंने सेव कर देता हूँ। सेव करता हूँ मैं इसलिए चलता हूँ, कई बार कुछ चीज़ हो जाती है तो सारी करी कराए पे पानी फिर जाता है। ठीक है, अब हम लेंगे ये वाला टूल। इस टूल से क्या होता है, जब हम शेप ड्रॉ करते हैं, ये देखिए मैंने ये डाल दिया। ठीक, अब ये देखिए ये इस तरह का आ गया। यहाँ से इसके जो इस टूल में क्या है, आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ये लाइनें हैं वो आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हर, मैंने जैसे बताया था आपको, हर एक की प्रॉपर्टी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी ये है। इसमें आप इसको पतला करना चाह रहे हैं, मोटा करना चाहिए, भी मोटा हो रहा है, नीचे से करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा इसका। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये हो गया एडिट। ठीक, और इसे मैं भी सेम यही पीला कलर ले लेता हूँ, और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया छोटा। अब इसमें क्या करेंगे, सेकेंडरी मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, जो इसकी एक लाइन है वो इससे अलग हो जाएगी, तो ये वाली लाइन है अलग नहीं हो रही है। पहले आप शेप को ना करके इसे करें, अब आएगा, देखिए दोनों सिलेक्टेड हो गए, ब्रेक। अब इसके मिड में बिल्कुल आपको वो लाइन मिल जाएगी, ये रही, इसे डिलीट कर देंगे। वैसे दिखती नहीं है फिर भी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। वैसे तो ये काम की रहती है, कभी कहीं फिर दोबारा चेंज करना पड़ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, वो आपके ऊपर आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अब मैंने यहाँ एक शेप इसमें यहाँ रखी, और शिफ्ट के साथ मैं इस वाली शेप को ही जो अब मैंने ड्रॉ की है इसे करके इसे क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने से क्या होगा, अब ये दो पीस में डिवाइड हो गया, तो थोड़ा सा इस तरह का लुक आ जाएगा। इसके अंदर भी मैं इसे दोनों को ब्रेक कर लेता हूँ, और इनके एजेस को थोड़ा सा राउंड शेप दे देते हैं। ठीक, ऐसे ही इसको, ये देखिए हो गया, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं लगेंगे अब ये,
ठीक है, ये एक इफेक्ट आ गया। अब हमारा लगभग आप देखिए यही अच्छे से लुक दे रहा है, ठीक है। इसे तो पोजीशन को मैं थोड़ा सा यहाँ करके थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डालना है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है वो पहले देख लेता हूँ मैं। एक है 30% ऑफ, ऑर्डर ले लेते हैं यहाँ पे। रेक्टेंगल बनाया, शेप टूल लिया, शेप टूल से थोड़ा सा राउंड कर लिया। हाँ, रेक्टेंगल में ये चीज़, और जब हम रेक्टेंगल लेते हैं तो उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है ये वाला, अगर शेप टूल यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो ये राउंड ले लेगा, पर अगर आपने कंट्रोल क्यू कर्व कर दिया तो ये उस कंडीशन में नहीं होगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिसको मैं ये सीधा इस तरह से करके, या इस तरह से अच्छा नहीं तो सीधा ही रखता हूँ मैं इसे, इसका बॉर्डर हटा देते हैं और यहाँ थोड़ा पतला करते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट कॉपी करते हैं, हमारा क्या है ऑर्डर, देन ये कॉपी और ये पेस्ट, फिर अगेन मैं एक साथ पेस्ट करके कंट्रोल के करता हूँ जिससे एक साथ ब्रेक हो जाते हैं। इसे सेंट्रलाइज ला के और इसे बोल्ड कर लेता हूँ टेक्स्ट को। अब इसे ऑर्डर नाउ को करेंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे इसकी शेप को और सी करेंगे सेंट्रलाइज और ई से हॉरिजॉन्टली के, सॉरी वर्टिकल आपका अलाइन हो जाएगा, सही है। उसके बाद आप इसे लेंगे वेबसाइट को वाइट कलर से, क्योंकि येलो ऑलरेडी हम ऊपर यूज़ कर लिया है तो इसके जस्ट नीचे वाइट से आ जाएगा हमारा। ऐसे करके शिफ्ट के साथ अगेन शेप पकड़ूंगा मैं और सी बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाएगा। और इस ऑर्डर नाउ को भी मैं कॉफ़ी के कलर में ही कर देता हूँ, या कॉफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, डार्क कॉफ़ी के मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसे सेव कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे नीचे लेंगे, ठीक है, ओके। इसे सेव किया। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट लेते हैं भाई हम, इसको वाइट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा। छोटा करके कंट्रोल के, और क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट नंबर तो हाईलाइट मेन होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसे हम बड़ा कर लेते हैं, पकड़ेंगे बड़ा करेंगे कॉन्टैक्ट और इसे बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा शिफ्ट। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आर दबाएंगे तो राइट साइड से अलाइन हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा नियरेस्ट हो गया, इसे थोड़ा ऊपर कर लेंगे। अब कॉन्टेक्टस को मैं कर देता हूँ येल्लो से, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ये, क्योंकि हार्ट के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया है ये। अब यहाँ सही है, बीन्स भी हमारा थोड़ा ऊपर चले गए हैं। सेव करते हैं। अगर आपको ये खाली लग रहा है तो यहाँ पे आप एक मोबाइल का आइकन होता है वो लगा सकते हैं, येलो कलर, इसके अंदर कोई भी मोबाइल का आइकन आपका आ जाएगा, फ़ोन का जो होता है वो अच्छा लगेगा इसके अंदर। फिर
फिलहाल मैं एक बना ही देता हूँ। ये रहा आपका, इसे कंट्रोल क्यू करते हैं, सिलेक्ट, इन दोनों को पकड़ के कर और डिलीट। और इनको मैंने कर दिया, ये दोनों तीनों को सेलेक्ट करके वेल्ड। ये हमारा फ़ोन का आइकन बन गया। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में बना दिया। थोड़ा सा चाहें तो आप इसे सही से कर लें। हो गया, ठीक है, ये फोन का आइकन हो गया और इसे भी हम टेढ़ा कर देते हैं शिफ्ट के साथ CE। ये हो गया हमारा, सेव किया, कुछ रहा तो नहीं हमारा, 30% रह गया। ऑफर 30% ऑफ का फॉन्ट, ये लेके इसे दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं, कंट्रोल के सेलेक्ट, यहाँ लाते हैं। यहाँ हम शेप का ही कस्टम शेप के साथ यहाँ जाएंगे और एक ये सही रहेगा, यही ले लेते हैं, और तो बाकी है नहीं इसमें अच्छे। ये हो गया ठीक। इसके बॉर्डर को हम वाइट कर लेते हैं, बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके पॉइंट को नीचे ले आते हैं। वैसे रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा, अब चाहे तो इस शेप को एक कॉपी सेलेक्ट हो गया। अब 30% को मैं येलो से कर देता हूँ और इसको वाइट से कर देता हूँ, दोनों को सी करके सेंट्रलाइज कर लेता हूँ, यहाँ प्लेस करते हैं, इन्हें छोटा कर लेते हैं, 30% को बड़ा ही रखेंगे और ऑफ को करेंगे थोड़ा सा लिटिल बिट स्मॉल, क्योंकि मेन जो हमें करना है 30 हाईलाइट इस तरह से, और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा सेट करेंगे। और इसके फॉन्ट सिंपल रख लेते हैं, बोल्ड ना लेके। और ये हमारा डिज़ाइन हो गया है, कंट्रोल सेव कर दिया हमने। और अब मैं आपको पूरा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए सारी ही बहुत इजी चीज़ें मैंने यूज़ करी थी। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। और आप कोशिश कीजिएगा कुछ चीज़ों को प्लेसमेंट कैसा किया जाता है वो देखें, बाकी तो सब डिज़ाइन इसी तरह से होते हैं, किसी में शेप होती है, किसी में कुछ।
पर मेन क्या चीज़ होती है कि हम प्लेसमेंट कहाँ क्या रखना है, किस चीज़ को कैसे रखना है, वो चीज़ आनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है कि किस चीज़ पे बनाऊँ, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।